हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। घर की साफ़ सफाई हो गई, आई थिंक कि सभी लोगों की घर की साफ़ सफाई हो गई होगी क्योंकि आज है धनतेरस फेस्टिवल और ऐसे में सभी लोग जो है धूमधाम से धनतेरस फेस्टिवल को जो है मना रहे हैं। और दोस्तों, टेक्नो गुरुदेव परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी लोगों को देवसहानी की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप अपने चैनल पर किस टाइम वीडियो अपलोड करेंगे कि आपको अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। अगर आपका गेमिंग से रिलेटेड चैनल है, टेक्स रिलेटेड चैनल है, कुकिंग से रिलेटेड चैनल है, या आपका कॉमेडी से रिलेटेड चैनल है, या आपका फनी है, रोस्टिंग चैनल है, या आपका सिंगिंग चैनल है, डांसिंग चैनल है, तो किस टाइम वीडियो अपलोड करना चाहिए ताकि आपको आपके वीडियोज पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिले। तो दोस्तों देखिए, जब हम अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं, अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं, तो हम काफ़ी न्यू रहते हैं और उस समय जो है हमको वीडियो टाइमिंग जो है कंफर्म नहीं रहता है कि हमको अपने चैनल पर वीडियो कब अपलोड करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो लोग पुराने हो गए रहते हैं उनको जो प्रैक्टिस हो गई रहती है, वो हैबिचुअल हो गए रहते हैं, उनको वीडियो डालने की आदत पड़ गई रहती है और उसी टाइम पर वो अपना वीडियो डालते हैं, उनकी ऑडियंस देखती है, उनके सब्सक्राइबर व्यूज जो है सब आते रहते हैं। लेकिन जो नए क्रिएटर हैं उनको जो अपने चैनल पर वीडियो डालने का सही टाइमिंग पता नहीं रहता है, जिस वजह से वो काफ़ी लंबे समय से जो है अपने चैनल को बूस्ट नहीं कर पाते, अपने वीडियो को वायरल नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनको लगता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन दोस्तों YouTube पर आपको पता ही है कि कैसे कैसे लोग कहां कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं, तो ऐसे में जो है हम क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको अपना 100% जो है यूट्यूब से चाहिए, मतलब आप तो यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं लेकिन उसका 100% आपको देखना है कि व्यूज आएगा, सब्सक्राइबर आएगा कि नहीं, तो इसके लिए जो है आपको टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना होता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको जो है टाइमिंग चैनल की कैटेगरी वाइज से बताएंगे, क्योंकि कैटेगरी वाइज से जो भी चैनल रहते हैं उनको अलग अलग टाइम पर जो है वीडियो अपलोड करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, कुकिंग का जो चैनल है वो तो पर डे जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको जो है बहुत सारा मटेरियल जुटाना पड़ता है, और जो कॉमेडी से रिलेटेड चैनल है उनको भी एक दिन में उनकी वीडियो नहीं बन पाती, तो उनको भी एक सप्ताह, कभी कभी दो सप्ताह, कभी कभी महीने भी लग सकते हैं वीडियो शूट करने में। तो ऐसे में दोस्तों हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आपको जब भी समय मिले, जब भी आपकी वीडियो रेडी बन जाए, तो आप अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दीजिए, लेकिन उसको पब्लिक करने का जो टाइमिंग है वो थोड़ा आपको अच्छे से रखना होगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपके चैनल पर जो ऑडियंस है वो कब आपके चैनल पर ऑनलाइन लाइव रह रहे हैं, उसी टाइम जो है आप अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे और उसी टाइम पर जो है अगर आप लाइव स्ट्रीम करेंगे तो आपके जो वीडियोस रहेंगे उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आएगा, और आपकी वीडियो पर अगर तुरंत जो है एक्टिव यूजर जो है अच्छा रिस्पांस देंगे तो उस वीडियो को यूट्यूब सजेस्ट करेगा, जिसकी वजह से आपकी बाकी वीडियो भी रैंक करने लगेंगी। तो दोस्तों इसको जानने के लिए कि आपके यूट्यूब चैनल पर कब ऑडियंस जो है ऑनलाइन रह रही है, इसके लिए जो है यूट्यूब ने एक YT स्टूडियो में बहुत ही अच्छा फीचर दे दिया है। अगर आप अपने एनालिटिक्स में जाकर ऑडियंस के सेक्शन में जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको एक जो है चार्ट दिखेगा, जहां पर आपको दिखाएगा कि आपकी ऑडियंस जो है कब ज्यादा ऑनलाइन रह रही है। वहां पर हर वीक का जो है आपको पर डे के हिसाब से जो है ऑडियंस का रीच दिखाएगा कि आपके जो ऑडियंस है यूट्यूब चैनल की वो जो है कब ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर उसी टाइम पर जो है आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा, और लाइव स्ट्रीम भी अगर आप करेंगे उस टाइम पर तो आपको अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। बस इस चार्ट को ध्यान में रखकर आप वीडियो अपलोड कीजिए और आपको जो है देखिएगा आपके जो वीडियो रहेंगे उस पर अच्छा रिस्पांस आने लगेगा। और दोस्तों मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप जो है मॉर्निंग में फ्री रहते हैं तो पर डे जो है मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो मॉर्निंग में वीडियो अपलोड होती है उन पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है, वो वीडियो जो है पूरे दिन भर चलती हैं। क्योंकि होता क्या दोस्तों कि जब हम न्यू रहते हैं, नए क्रिएटर रहते हैं, तो हम जो है मॉर्निंग में वीडियो शूट करते हैं, उसको दिन भर एडिट करते हैं और शाम को जो यूट्यूब पर पब्लिक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे चैनल पर ऑडियंस काफ़ी कम आती है। शाम को वही लोग जो है वीडियो देखना पसंद करते हैं जो लोग पहले से किसी को सब्सक्राइब करके रखे हैं, उन्हीं की वीडियो देखना पसंद करते हैं, और सुबह में जो है अगर आप वीडियो पब्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑडियंस, नए नए क्रिएटर जो है, नए नए व्यूअर जो है आपको देखेंगे और आपके चैनल पर रीच काफ़ी अच्छी बनेगी। तो हमेशा जो है मॉर्निंग में 9 से लेकर 11 के बीच में अगर आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। धीरे धीरे जो है आप अपने ऑडियंस को समझ जाएंगे कि आपकी ऑडियंस कब जो है यूट्यूब पर एक्टिव रह रही है, उस टाइम जो है आप वीडियो अपलोड करना चाहेंगे तो आपको अच्छा बेस्ट रिस्पांस देखने को मिलेगा। और ऐसा करके दोस्तों आप अपने ऑडियंस के साथ काफ़ी अच्छे से जुड़े रह सकते हैं, आपके ऑडियंस आपके वीडियोज़ का इंतजार करेंगे। आपको वीडियो जो है टाइमिंग का विशेष ध्यान रखकर जो है पब्लिक करना चाहिए, ये नहीं कि कभी सुबह, कभी दोपहर में, कभी शाम को, कभी जो है एकदम रात को जो है, इस तरह से अगर आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपकी ऑडियंस जो है कन्फ्यूज रहेगी कि आपके चैनल पर वीडियो कब आने वाली है। नोटिफिकेशन तो सबको जाएगा लेकिन वो लोग कब फ्री रहेंगे, कब नहीं रहेंगे, उस हिसाब से जो है
आपकी वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो जब भी आपकी ऑडियंस जो है एक्टिव रहे यूट्यूब पर, तभी जो है आप अपने चैनल पर वीडियो को जो है पब्लिक करें, आपको अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।